एनके आरजे भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार, और आज हम बात करें कि राजस्थान का एक किशनगढ़वास जो तहसील है, खंड है, उसके अंदर एक गांव पड़ता है शेखपुर। इस गांव की अगर बात करें तो लगभग गांव का जो अंदर का आंतरिक जो क्षेत्र है जहां पर गांव के लोग निवास करते हैं, वहां पर जो नल लगे हुए हैं वो फेल हो चुके हैं, जल स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका है। परंतु गाँव के जो एक तरफ है सरकारी भूमि है, वहाँ पर पानी है, ऐसा लोग कह रहे हैं 600 से 700 फुट पर पानी है, और इतने फुट पर सरकारी बोरिंग हो सकता है जलदाय विभाग के अधिकारियों की अगर हम माने तो। ऐसे में देश को 75 वर्ष हो गए, अगर 75 वर्ष से ज़्यादा हो गए मैं सच कहूँ तो, और इनके गांव के अंदर आज तक जो पानी की लाइन होती है वो नहीं आई है। इन लोगों की जो समस्याएँ हैं, आज ये तहसीलदार साहब से मिले हैं, उसकी भी हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। पर उससे पहले हम जानते हैं कि समस्या, वास्तविक समस्या क्या है इनकी। नाम क्या है आपका? नाम मेरा मंगत सिंह जी। सर, मंगत सिंह जी, आपके गांव में वाटर सप्लाई है? नहीं है सर, वाटर सप्लाई नहीं है। पहले थी? पहले भी नहीं थी, कम से कम इसको 70-75 साल हो गए। हमने जब तक अपना होश संभाला जब तक हमने किसी वाटर सप्लाई देखे नहीं हमने अपने गाँव में। तो पहले आपने किसी को भेजा लेटर लिख के कि भाई वाटर सप्लाई से ही हमें गांव के अंदर? हमारे पास जब सरपंच जाते थे बोर्ड मांगने के लिए, जब हमको आश्वासन दे देते थे कि हम आपका बोर करा देंगे, नल भिजवा देंगे घर पे, हम उनके भरोसे पे बैठ जाते थे। फिर 2-4 साल निकल गए, फिर दूसरा सरपंच आया, उसने ऐसे बोल दिया, उनके आश्वासन से रह गए। कभी MLA गए, MLA जी वोट मांगने से पहले तो कहते हम आपको पानी देंगे, पानी की सुविधा करेंगे, सड़कों की सुविधा करेंगे। हमारे पास ना तो कोई पानी की सुविधा हुई ना कोई सड़कों की सुविधा हुई। ग्राम पंचायत कौन सी? ग्राम पंचायत कोलगांव सर हमारी। कोलगांव फिलहाल सरपंच कौन है? सरपंच है को, सरपंच नाम क्या उनका? उनका प्यारेलाल जी। प्यारेलाल जी, हाँ जी। तो आपने उनको बताया कि गांव के अंदर पानी नहीं है, टैंकर वैंकर? कई बार उनके पास तो कई बार गए, उन्होंने आश्वासन दे देते हम आपको पानी लगवा देंगे, अब लगवा रहे हैं, कल लगवा रहे हैं, परसों लगवा रहे हैं, ऐसे करते करते जब हमारी पार नहीं पड़ी, जब हम आज यहाँ पे आए तहसीलदार ऑफिस में। देखिए मेरे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि पुरुष तो किसी ना किसी तरह से सुबह नहा धो के अपने घर से निकल जाता है, महिलाओं की बात करें तो वो सर पे पानी लेके आती है, 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आती है, और उनको वहाँ से भी भगा दिया जाता है। पानी कितनी दूर से लाती हो? पानी 2-3 किलोमीटर ऐसे लगा ले, कहीं मिल जाता है कहीं नहीं मिलता, फिर कहीं से खाली आना पड़ता है, कभी किसी खेत में भगना पड़ता है, कभी किसी में पानी, फिर अपने बच्चे जैसे किसी के परिवार में 4-5 वो हम कहीं दिहाड़ी धप्पा पर चला जाता, वो बच्चे बेचारे रहते हैं घरे, सांझ को पानी नहीं मिलता नहाने को, ठीक है ना। फिर हम आके रोटी पानी बनाते हैं, ऐसे आदमी न वो अपने काम धंधा चले जाते हैं, हम अपने घर में फिर कहाँ रात में कहाँ पानी लेने जावा हैं। नाम क्या अपना? शीला। शीला जी, कब से दिक्कत है आपके गाँव में? बहुत दिन की दिक्कत है, कम से कम 70 साल हो रहे हैं दिक्कत की। तो पानी में कभी भगते हैं, कभी 4 किलोमीटर कभी 5 किलोमीटर पानी तो मिलता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, विधायक साहब से भी कही जब वोट मांगने आए थे वो? उन्हें क्या बनवा देंगे पानी, एक साल को बनवाएंगे, 2 साल को ऐसे करते करते उनका टाइम निकल जाता है, फिर दूसरा सरपंच आ जाता है, सरपंच दूसरा आ जाता है, कभी विधायक दूसरा आ जाता है। किशनगढ़ की ये बड़ी समस्या है। नाम क्या अपना? करतारा भाई। करतारा भाई, अगर हम बात करें तो विधायक साहब की, वो दोबारा जीत के आए हैं दीपचंद खैरिया, उनको सूचित किया गया था? नहीं सर। तो उनको पता तो होगा ना कि भाई इस गांव में दिक्कत है? पता खूब है उनको, वोट लेके और जब कहते हैं इन गांव में पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो शेखपुर के ग्रामीण दिख रहे हैं आपको, ये तहसीलदार ऑफिस में गए थे, और जो जलदाय विभाग के अगर हम बात करें तो अधिकारी बैठे हुए थे, तहसीलदार बैठे हुए थे, और उन्होंने इनको क्या आश्वासन दिया है इसके बारे में भी हम पूछेंगे। क्या आश्वासन मिला है? सर उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि अभी 2 सप्ताह तक तो आप हमको टैंकर से पानी पहुंचाएंगे। कितने टैंकर? 3 टैंकर डेली के, 3 या 4 टैंकर हम डेली के पहुँचाएंगे, उसके बाद 2 सप्ताह के बाद में आपका बोरिंग सेंक्शन करा दिया जाएगा और आपको बोर करवा दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल आपका क्या मन है, कोई आंदोलन करने का है, धरना देने का है, या फिर आश्वासन मानने का है? आश्वासन फिलहाल तो हम आश्वासन मान रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने कल या परसों तक एक सप्ताह से पहले नहीं किया तो हम सारी सड़कें जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ये हमारा। तो देखिए ये हाल है, केंद्रीय मिनिस्टर अगर मैं बात करूँ भूपेंद्र यादव, ऐसा नहीं है कि अब की बार भूपेंद्र यादव केंद्रीय मिनिस्टर बने हैं, पहले भी ये केंद्रीय मिनिस्टर थे, परंतु अब की बार कुछ अलग ये हुआ है कि वो अलवर लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, और अब की बार फिर से वो पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं, मोदी कैबिनेट में बनाए गए हैं। उसके अंदर जो नहर की मांग थी अगर मैं बात करूं, जो चंबल नदी का पानी
अलवर भरतपुर क्षेत्र को मिलना है उसकी तो लगभग 2051 तक की योजना है, परंतु 2051 तक तो बहुत सारे लोग यहाँ रहेंगे भी नहीं, जो आश्वासन दे रहे हैं वो भी और जो सुन रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे बहुत सारे लोग। तो ऐसे के अंदर अब अगर कोई कार्य हो जाए बड़ा तो लोगों को काफ़ी उम्मीद रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।